जय किसान साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में काफ़ी सारा जो कचरा आ गया है, आप देख सकते हैं दो मल्चिंग के बीच में काफ़ी सारा कचरा है, उधर साइड में भी काफ़ी कचरा है। तो हमारे किसान भाई से हम पूछते हैं कि इसके लिए उन्होंने इस पर ये जो स्प्रे कर रहे हैं इसमें क्या क्या है। दोस्तों, हमारे किसान भाई जो अभी ये स्प्रे कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आएगा कुछ दिन के बाद में। तो ये खंभे के बाजू में जो भी है, इसका हम फिर से वीडियो डालेंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है करके। सभी किसानों के लिए दिक्कत हो जाती है जब हमारे खेतों में कचरा आता है, इससे हमारी जो पैदावार में फर्क पड़ता है क्रॉप की। तो हमारे किसान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या सामग्री लिए थे तन्नाशक में। ये रनआउट है GSP कंपनी का, इसमें ग्लाइफोसेट कंटेंट दिया हुआ है, और ये मिलकॉट है, इसका ब्रांडिंग नेम मिलकॉट है, और इसमें कंटेंट पैराकॉट है। दरअसल कंपनी कहती है कि दोनों अलग अलग यूज़ करना चाहिए। पैराकॉट से एक दिन में कचरा मर जाता तो ग्लाइफोसेट को कचरा मारने में करीबन 15 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, पर होता क्या है कि पैराकॉट जैसे ही गिरता है तो शाम तक, सुबह अगर आप मारते हो तो शाम तक ऊपर का कचरा यानी जितनी भी हरी पत्तियां हैं वो पूरे के पूरे जल के सूख जाती है। इसका रिजल्ट कब आएगा? अभी हमने जो अभी स्प्रे किया है ये आपको दिखेगा, कल तक आपको पूरा घास सूखा हुआ दिख जाएगा। अच्छा, इसमें कैसा है कि हमने 100 ml पैराकॉट एक पंप में और 100 ml ग्लाइफोसेट दोनों मिक्स करके मारा है ताकि कचरा जड़ से ख़त्म हो। दरअसल होता क्या है कि पैराकॉट से आपको जल्दी असर दिख जाता है, यानी एक दिन में आपका कचरा, ये पैराकॉट है और ये ग्लाइफोसेट। तो ये मिक्स करके कंबाइन में फवारने, ये दोनों कंबाइन में स्प्रे किया हुआ है ताकि घास जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, और करीबन महीना भर तक हमें ये। आप नोजल के लिए क्या कर रहे हैं? ये एडजस्टेबल पाइप है ताकि जा हम नहीं जा सकते, यानी कचरा दूर तक फैला हुआ होता है, तो आप इतना ज़्यादा कचरा होता है कि वहाँ नहीं जा सकते, कुछ सांप का या बिच्छू का डर रहता है काटने का। और ये पंप कौन सा है? बैटरी ऑपरेटेड पंप है। तो इसका रोज चार्ज करना पड़ता है क्या? एक बार चार्ज करने पर करीबन 15 पंप तक चलता है ये। अच्छा, इससे 15 15 से 20 पंप अपन स्प्रे कर सकते हैं जी। तो ऐसा बार बार चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता, फिर अगर 20 पंप आपके हो जाते हैं, 15 से 20 पंप, तो फिर चार्ज करना जरूर होता है। भाई साहब, आपने ये जो बांधे है पूरा, तो और गॉगल वगैरह लगाए किस लिए? ये कैसा होता है सर, ये जो केमिकल होता है ये स्प्रे करते समय अपने शरीर पे भी उठता है, आँखों में चला जाता है, मुंह से अंदर चला जाता है, उससे बहुत सारा बीमारियाँ होती है। आए दिन पेपर में आते रहता है इनको कैंसर हो गया या केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से ये बीमार पड़ गए, आए दिन पेपर में आता है, इसलिए ये सावधानी करके हमने बांध के स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सभी किसान भाइयों से एक निवेदन है कि कृपया आप जब भी पेस्टिसाइड मारेंगे या फिर तन्नाशक का उपयोग करेंगे तो इस तरीके से सभी अपना प्रिकॉशन लेके ही करना, ताकि आपकी खुद की सेहत भी अच्छी बने रहे। तो आइए किसान भाइयों, सभी का स्वागत है। आज है दूसरा दिन, यही वो जगह है, ये खम्बा आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारा कचरा था। हमारे किसान भाई ने उसमें जो औषध मिलाकर यहाँ पर स्प्रे किया था, आप देख सकेंगे कि कितना सूख गया है, कितनी झाड़ियाँ थी इस जगह पर। ये खंबे की साइड वाली जो जगह थी, यहाँ पर हमारा चलना मुश्किल हो पाता था, आज हम उसके अंदर की ज़मीन देख पा रहे हैं। और आप ये देखोगे नज़ारा कि साइड में पूरा सूख गया है, जहाँ जहाँ पर हमने जो औषध मारी थी, स्प्रे किया था, वो काफ़ी सारी जगह अभी सूख गई है, हमको ज़मीन भी दिख रही है। तो अभी दो मल्चिंग के बीच में भी, ये दो मल्चिंग के बीच की जगह अभी खाली मिल रही है। इस जगह से भी हमने मारा था स्प्रे, ये पूरा घास अभी सूख गया है, देखिए। और हमने आपको घास दिखाने के लिए जो जगह पे छोड़ी थी,
जिस जगह पर हमने मारा नहीं था, देखिए आप ये मल्चिंग देख रहे हैं, ये दो मल्चिंग के बीच में इस टाइप का आप कचरा देखेंगे, और जहाँ पर हमने हमारी ये दवाई स्प्रे की थी उस साइड में कचरा पूरा जल गया है, और इस साइड में कचरा काफ़ी है क्योंकि इस साइड में हमने स्प्रे नहीं किया था। और खेती किसानी में हम जब भी हमारे मेन क्रॉप को कुछ भी हम दवाई देते हैं तो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी हम खाद देते हैं तो ये मेन पौधे को न जाते हुए बाकी के कचरे को ही जाता है ज़्यादातर के, इसलिए ये कचरा कभी भी साफ करना काफ़ी ज़रूरी रहता है।